Hello everyone, today we will discuss chapter 6, that is unit 5, green skills part 1. So in this chapter we will be discussing about the green economy and why this green term is important for our environment, for our livings, why it is important. We will be discussing all these things. आखिर ये green skill है क्या? इस green skill में हम ये पढ़ेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत है ग्रीन इकोनॉमी की, ग्रीन इकोनॉमी है क्या और कैसे हमारी इकोनॉमी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, विद इन रिलेशन विद द इकोसिस्टम, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट ग्रीन स्किल. आखिर ये ग्रीन स्किल है क्या? तो ग्रीन स्किल उस स्किल का नाम है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ऐसे प्रोसेस को यूज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रही होती है. यानी हम अपने इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट करते हैं, वो है हमारा ग्रीन स्किल. एक सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा ग्रीन स्किल. ग्रीन स्किल को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इट इज़ द नॉलेज, एबिलिटी, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू लिव इन, डेवलप एंड सपोर्ट अ सस्टेनेबल एंड रिसोर्स इफिशियंट सोसाइटी. यानी अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं मदर अर्थ की, अपने एनवायरमेंट की, जहाँ पे हम उसके प्रोक्योरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. मीन्स डेवलपमेंट विथ इन अकॉर्डेंस विद द नेचर, जहाँ पे हम नेचर के लॉ को फॉलो करते हुए अपने डेवलपमेंट करेंगे. अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपने लग्जरी की चीज़ों को हम अगर बनाएंगे भी तो कुछ इस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे, जो हमारे एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब ना करे, जिससे हम भी सर्वाइव कर सकें और हमारा ये मदर अर्थ और ग्रीन और ग्रीनर होता चला जाए. सो नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट. हम जब भी ग्रीन स्किल की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट अगेन एंड अगेन. तो ये एनवायरनमेंट है क्या? दिस इज़ वेरी कॉमन वर्ड, हम सभी यूज करते हैं और हम सभी इसके बारे में बात भी करते हैं. तो वट इज़ दिस? दिस इज द सराउंडिंग या कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स. हम धरती पे रहते हैं और धरती के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, अगर हम बात करें क्या है हमारे चारों तरफ, तो नदी है, पेड़ है, पौधे, पर्वत हैं, पौधे हैं, हवा है, वायुमंडल है, ये सब अगर हम मिला के बात करें तो वट इज़ दिस? ऑल दीज आर द टर्म्स that are defined in a single word, that is environment. Environment की दूसरी definition की अगर हम बात करें, the natural world as a whole or in a particular geographical area especially as affected by human activity, तो हम इसे भी environment ही कहते हैं. The social and cultural forces that shape the life of a person or a population. तो ये सब क्या है? हमारे environment की definitions है. यानी हमारे surroundings की बात कर लें या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारी एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे एक्टिविटी पर प्रभाव डालती हैं, या फिर हमारे एक्टिविटी की वजह से जो डिस्टर्ब हो या उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की. जब भी ग्रीन स्किल की बात होती है तो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम इकोसिस्टम की बात करते हैं. कभी कभी जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं देन वी टॉक मीन्स हम इन्वायरमेंट को नेचर भी कहते हैं. हम नेचर के टर्म में भी अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं क्योंकि जो सराउंडिंग है वो सब कुछ नेचुरल ही है. दैट इज़ नॉट द मैन मेड, दैट इज़ द नेचुरल थिंग्स. दैट्स वाई हम बहुत ही रैपिडली या कैजुअली, इंटरचेंजेबली हम नेचर और इन्वायरमेंट को एक ही साथ यूज़ करते हैं. तो हम बात करते हैं इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम की जब बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ नेचर. ये धरती का नियम है और धरती ऐसे ही चल रही थी, जो हमारा मदर अर्थ, हमारा नेचर जो था ऐसे ही चलता था. बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, इस
साइकिल को, इस सिस्टम में हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। ऑल दो जो हमारी एक्टिविटीज थी, चाहे हमारे नीड्स को फुलफिल करने की बात हो या हमारे लग्जरीज को फुलफिल करने की बात हो, मतलब हमारे नीड्स की बात हो या फिर हमारे वांट्स की बात हो, हमारी ज़रूरत हो या हमारी चाहत हो, अगर हम उनको पूरा करने की बात करते हैं तो हमने इस इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखा। हमारे कोई भी एक्टिविटी इस इकोसिस्टम को कंप्लीट नहीं करता, इंस्पाइट हमने इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ही किया। इंटेंशनली हमने कुछ नहीं किया, बट हमारी जो एक्टिविटी थी उसने इस नेचर के लॉ को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, एंड रिजल्ट आज हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वी विल डिस्कस, हम सभी जानते हैं बट स्टिल वी विल डिस्कस जो जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर को हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं तो हम इसको लेमैन टर्म्स में समझेंगे, हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग इन अ लेमैन टर्म्स जिससे हम आसानी से समझ सकें और हम अपनी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें कुछ इस तरीके से कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बना सकें। ओके, तो ये इकोसिस्टम है क्या? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। आसान सी भाषा में बात करें तो ये सब मिलके जीवन का एक चक्र पूरा करते हैं और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। किसी का भी ग्रोथ किसी दूसरे के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिलजुल कर जीते हैं और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप इस फिगर को देख रहे हो, इस पूरे फिगर में सिर्फ एक ही चीज है जो ऑड है, दैट इज द फैक्ट्रीज। अगर हम देखें तो ये फैक्ट्री से जो इमिशन हो रहा है, सिंपल सी बात करें तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो धुआं है, जो प्रदूषण है, अगर हम बात कर लें तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड समझते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो निकल रहा है वो एडिशनल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जितनी ज़रूरत है हमें प्लांट्स की, ट्रीज़ की, वो हम नहीं लगा पाते। और इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए भी हमने क्या किया, धरती का ग्रीन लेयर यानी पेड़ पौधों की कटाई की गई, क्योंकि वहाँ लगाने के लिए भी व्हाट वी नीड सम लैंड, तो हमने कुछ लैंड को कैप्चर किया। तो जो पौधे CO2 का इमिशन को रोक सकते थे उस CO2 को यूज़ कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, हमने सबसे पहले उन्हें हटाया और हमने CO2 का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया। तो यहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। बट धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो हमारी हर ज़रूरत की चीज़ को भी बनाने के लिए या फिर हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हमारे लग्जरी को पूरा करने के लिए, हम इस इकोसिस्टम को अनइंटेंशनली डिस्टर्ब ही करते चले आ रहे हैं। कैसे, हम आगे भी देखेंगे। सो इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स लिव टुगेदर एंड कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट्स बाय देयर ऑन डिमांड सप्लाई चेन मैकेनिज्म। मतलब ये इनका अपना एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म है जहाँ से ये अपने डिमांड्स को और सप्लाई को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कोई भी किसी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, जबकि सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक के रूप में जी रहे हैं। चाहे वो पौधों की बात कर लें, चाहे जीवों की बात कर लें या जंतुओं की बात कर लें, मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दे हैव अ साइकिल, अ सिस्टमेटिक साइकिल जहाँ पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई भी एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और सबसे बड़ी बात, वो हमारे मदर अर्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे इकोसिस्टम के। अगर हम बात करें तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, और कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो बचे कुछ चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ एंड हेल्प ईच अदर टू कम्प्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एनवायरमेंट। तो देखिए आप, पूरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी हमें ये डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस इकोसिस्टम में कोई भी ऐसी चीज थी जिसने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाला, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। या अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो हमारे इस नेचर में, हमारे इस मदर अर्थ पे कोई भी ऐसा क्रिएशन नहीं था
जो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो या उसकी जरूरत ना हो. एवरीथिंग वॉज प्लान्ड सिस्टमेटिकली लॉजिकली. इट वॉज द मिस्टेक ऑफ ह्यूमन्स कि उनकी इम्पॉर्टेंस को समझ नहीं पाए हम, उनकी जरूरत नहीं समझ पाए. एंड व्हाट वी डिड, वी जस्ट स्टार्टेड डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम. क्योंकि अगर हम उनकी जरूरत को समझ जाते तो हम इस इकोसिस्टम को कभी डिस्टर्ब ही ना करते, शायद हम समझ ही ना पाए. तभी तो ये दिक्कत हो रही, क्योंकि सबसे जो बेस्ट क्रिएशन है इस धरती का वो हम ह्यूमन्स ही हैं. और अगर हम समझ जाएं कोई चीज़ ठीक नहीं है तो हम उसे कंटिन्यू भी नहीं करते. सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की जरूरत बस इतनी ही है कि वो हमारा ध्यान आकर्षित कर सके इस विषय पे और हमें ये बता सके कि हमारे किस किस एक्टिविटी से किस लेवल तक का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो शायद हम अपने स्टेप्स को चेंज कर सकें जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को अगर खत्म ना कर सकें तो एटलीस्ट कम तो कर ही सकें. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी अपने सर्वाइवल के लिए भी इस धरती को उसी हालत में जाना जरूरी है जिस हालत में धरती स्टार्टिंग में थी. क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे लिए ही हार्मफुल है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज डेंजरस फॉर आर सर्वाइवल. वी विल टॉक इन द नेक्स्ट टॉपिक्स एवरीथिंग इन डिटेल. सी एक सी ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हैं, मदर अर्थ पे डिपेंडेंट हैं. ये वहाँ से चीज़ों को बना लेते हैं. अपना भोजन अगर कहा जाए तो इनका भोजन डायरेक्ट प्रकृति में होता है. ये प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं. एंड देन हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स जो हैं ये हमारे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर लेते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज द कंज्यूमर एंड ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर. ठीक है, नेक्स्ट इस फिगर में हम देखें तो वी विल गेट सम मोर क्लियर कॉन्सेप्ट कि डिकम्पोजर्स कौन हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन हैं एंड हेटरोट्रॉप्स कौन से हैं. इट इज़ वेरी क्लियर. देखिए, जो हमारे सॉइल के नीचे जो आपके जो जीवाश्म हैं, दे आर लाइक द डिकम्पोजर्स. ये क्या करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं. इसमें वॉर्म है एंड लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर. प्लांट्स, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये डायरेक्टली मदर अर्थ पे डिपेंडेंट हैं. ये अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से या फिर जैसे भी, मीन्स दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ नेचर. इनके बाद आपके हर्बीवोर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं इन प्लांट्स पे. तो हर्बीवोर्स जो हैं दे आर नोन एज फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. सेकेंड जो हैं ये आपके ये द लार्जर इंसेक्ट्स जो इन्हें खाते हैं वो हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी और उसके ऊपर जो है वो टर्सियरी है. तो ये जो साइकिल है ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए साइकिल है. इसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता. लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ह्यूमंस इस साइकिल में आ जाते हैं. तो ह्यूमंस इस साइकिल को फॉलो नहीं करते, वो इस साइकिल को कंप्लीट नहीं करते, कहीं भी इस साइकिल को सपोर्ट नहीं करते, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है. अगर हम अपनी एक्टिविटीज से इस साइकिल को सपोर्ट करें, इस साइकिल को कंप्लीट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी. बट दिक्कत यही है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते. नेक्स्ट, द फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस. हमने बात की एनवायरनमेंट की, हमने बात की इकोसिस्टम की, हमने बात की नेचर की. आखिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आखिर हम ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन स्किल में बात क्या करना चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, हम पढ़ना क्या चाहते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ये ज़रूरत था, जो ये इन्वायरमेंट है इसकी ज़रूरत क्या थी. तो जब हमने देखा कि ये जो इकोसिस्टम है, ये इन्वायरमेंट है, इससे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना हुआ था. जब इन्वायरमेंट में बैलेंस बना हुआ था इट मींस जो चीज़ें जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में अलाउड थी वो उसी अमाउंट में अवेलेबल थी. यानी दैट वॉज द बेस्ट फॉर द सर्वाइवल. जो हमारे अर्थ का कंडीशन था दैट वॉज बेस्ट फॉर सर्वाइवल. इसी वजह से लोग वहाँ पे जीव जंतु रह पाए. हमारे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ पे ही लाइफ अभी तक पॉसिबल है. बाकी जगह पे तो हम लोग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं कि क्या वहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है. कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है.
तो एक मदर अर्थ ही हमारा ऐसा है जहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम रह सकते हैं, ये रहने लायक है। तो आखिर ये रहने लायक कैसे था? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए वो बैलेंस में थी, एक प्रॉपर रेशियो में हर चीज़ अवेलेबल थी। बट जब ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन हुआ इस धरती पे, तो ह्यूमंस की कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे हम बात करते हैं जो हमारी बेसिक नीड है, दैट इज़ द रोटी, कपड़ा एंड मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। हमें ये बेसिक चीज़ें हैं, बट सिर्फ बेसिक चीज़ों से हमारा मन कभी नहीं भरा, ह्यूमंस का मन कभी नहीं भरा। फिर जब हमारी ज़रूरत पूरी हुई तो हमारी चाहत बढ़ती चली गई। ज़रूरत पूरी हुई तो हमारी चाहत बढ़ी और हमारी ख्वाहिशें बढ़ रही। चाहत यानी हमारी ख्वाहिशें बढ़ी और हमने अपनी लग्जरीज को बढ़ाया। लग्जरीज को बढ़ाने के लिए व्हाट वी डिड, हमारे जो एक्शंस थे वो उनका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हुआ हमारे एनवायरनमेंट में, और धीरे धीरे इस धरती की जो कंडीशन है वो हमारे सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट होती चली जा रही है। आप सब भी जानते हैं एवरी ईयर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारे पोल्स पे आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अगर वो आइस इसी तरीके से मेल्ट होता रहा तो पीने के लिए पानी हमारे पास कम होगा और जो हमारे ओशियंस हैं उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। जब उसमें पानी ज़्यादा होगा तो सर्वाइवल ऐसे ही हमारे खतरे में आएंगे। जब पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो जो इकोसिस्टम है, जो रेन साइकिल है वो पूरा नहीं होगा। वी नो कि प्लांट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है रेन साइकिल में, तो जब वो नहीं रहेंगे तो रेन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर बारिश नहीं होगी, फिर हमारा सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल में होगा। तो अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें थी वो सब हमारे सपोर्ट के लिए थी, बट हमारे ही एक्टिविटीज़ के कारण, हमारे ही कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी रहीं जिनके कारण हमने उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिन्हें जिनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी समझ की दिक्कत थी कि हम समझ नहीं पाए कि इनकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ आवर लग्जरीज। अगर हम लग्जरीज को छोड़ के इन्हें बचाते, अगर हम लग्जरीज को पूरा करने के पीछे ना भागते, तो आज शायद हमारी अर्थ की कंडीशन और भी बेटर होती। बट आज, और फिर हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, हम इस बारे में आज बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो चीज़ें ठीक होती हम उन्हें और ठीक करने की बात क्यों करते? वो तो हमारे सिस्टम में होता, वो हमारे फ्लो में होता और हम चीज़ों को और अच्छे से कर रहे होते। सी, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉजेस जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में? वो क्या है? आवर डे टू डे एक्टिविटीज फॉर फुलफिलिंग आवर लग्जरीज, इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल फेनोमिनन ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड कॉज एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। तो जब हम लग्जरी को पूरी करने की बात करते हैं, जैसे हम नीड्स की बात इसलिए यहाँ नहीं करते क्योंकि नीड्स की तो हमें है भाई, अगर जब हमारी ज़रूरत ही नहीं पूरी होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इस अर्थ के बारे में क्या बात करेंगे, हम इस एनवायरमेंट के बारे में क्या बात करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम नीड्स की यहाँ बात नहीं कर रहे। वरना अगर हम देखें तो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे हम अपने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। बट हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली लग्जरीज, क्योंकि बिना लग्जरीज के भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई द फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, कोल माइंस एटसेट्रा इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच रिजल्ट्स ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, हमारे लग्जरीज को फुलफिल करने की क्या चाहिए? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स और एयर कंडीशनर भी हमारी एक लग्जरी का ही नाम है। सीमेंट फैक्ट्रीज, अगर हम कंक्रीट का जो फॉरेस्ट की बात करें, मतलब चारों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम क्रिएट किए जा रहे हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए वी नीड फैक्ट्रीज। तो इन सभी जगहों पे, कोल माइंस की बात कर लें या एयर कंडीशन, इन सभी जगहों पे एक्सेसिव इमिशन ऑफ CO2 हो रहा है। बीइंग साइंस स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ CO2 ही थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लॉट्स ऑफ गैसेस आर देयर। बट मैंने पहले ही कहा था कि वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ लेमैन,
एक लेमैन की भाषा में हम बात करेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नहीं रखेंगे, और लेमैन भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस भी प्रोड्यूस करते हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। पौधे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ कर लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ये हम लेमैन भी जानते हैं, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द CO2 ओनली। बाकी सारी गैसेस उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी CO2 रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें या किनकी बात कर लें। तो ये सारी गैसेस धीरे धीरे हमारे धरती को गर्म कर रहे हैं। कैसे गर्म कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये जो CO2 है या ग्रीन हाउस गैसेस है, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू ट्रैप द हीट, यानी ये गैसेस बात कर लेते हैं, ये जल्दी ठंडी भी नहीं होती, या ये कह लें कि ये हीट को बाहर जाने नहीं देते। ये जो गैसेस हैं इनके कारण हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल रेज जिन्हें नहीं आना चाहिए था अर्थ पे, ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो हम ओजोन लेयर को ऐसा देख सकते हैं कि वो हमारे एक नेटवर्क का, हमारे सिस्टम का फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है कि जब भी हम इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फायरवॉल हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? हमारे सिस्टम ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है सिर्फ उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स को अलाउ करता है, बाकी अनवांटेड चीज़ों को वो फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। वो अनवांटेड चीज़ों में हो सकता हो आपके नेटवर्क पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की हो, या फिर आपके नेटवर्क में किसी ने मैलिशियस फाइल्स भेजने की कोशिश। तो एवरीथिंग इज बीइंग ब्लॉक्ड बाई फायरवॉल्स ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम बात करते हैं किसी के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने की, तो सबसे पहले होता है कि उनके सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करो, सबसे पहले फायरवॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ओजोन लेयर है दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक फायरवॉल, जो जरूरत की चीजें वो उन्हें आने देता है, और जो अल्ट्रावायलेट रे जो हमारी जरूरत की चीज नहीं है उसे वो वहीं पे ब्लॉक कर देता है। तो ये जो गैसेस हैं ये हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वहां से भी डेंजरस, यहाँ पे भी ये हीट को बाहर नहीं जाने देते। और हमारे अर्थ पे क्या था कि जो सन से हमें जो हीट मिलता था वो यूज होता था जितनी जरूरत है, बाकी क्या होता था रेडिएट होके बाहर चला जाता था। लेकिन जब हम बात करें इन गैसेस का लेयर अगर बढ़ता है तो उस रेडिएटेड हीट को ये बाहर नहीं जाने देते, दे एब्जॉर्ब द हीट। तो इससे क्या हुआ, हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो वापस हो जाना था रिटर्न होके अगर हम उसे भी वापस रख ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ लें कि घर में दिवाली के दिन हमने घर की पूरी सफाई करी और जो कचरा निकला उसे उठा के एक दूसरे अलमीरा में सजा दिया, फायदा क्या हुआ? आखिर कहीं ना कहीं हमने उस कचरे को भी तो स्टोर कर ही दिया ना, तो इससे हमारे घर की सफाई तो नहीं हुई, ये कोना साफ हुआ लेकिन दूसरे कोने में तो बढ़ा, लेकिन वहां से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना है अब वो वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ से जो टेम्परेचर रेडिएट होकर बाहर चला जाना था, जो एक्सेस टेम्परेचर था वो इन गैसेस ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बहुत ही बड़ा रीजन है, बहुत। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कैसे इन चीजों को ठीक कर सके। हम आगे और भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री से और इन्हीं सारी चीजों से CO2 का इमिशन होता है और सिर्फ इतना ही ठीक कर लेने से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा लेंगे। वी हैव मोर टॉपिक्स टू डिस्कस, बट वी विल डिस्कस देम ऑल दिस टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो क्लास। फॉर दिस वीडियो क्लास वी आर स्टॉपिंग आवर डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।